मथुरा में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई बड़ी कंपनियां और सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स 2023 के तहत श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की। मोटे अनाज कैसे शरीर के लिए फायदेमंद हैं और दुनिया में उनकी मांग है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि स्वास्थ्य को सही करने के लिए मोटे अनाज का उपयोग करना आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही 2000 किसानों को मोटे अनाज के बीज निशुल्क वितरित किए गए तथा एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम सबको यह जानकारी देने के लिए कि मिलेट का कितना महत्व है, कि हम लोग सिर्फ गेहूं और चावल ऐसे इस किस्म के खाते हैं, स्पेशली मिलेट के ऊपर हमारे सरकार भी बहुत ध्यान देती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हर जगह हम लोग भी ये पब्लिसिटी कर रहे हैं कि मिलेट का भी इस्तेमाल करो, लोगों को यूज करना चाहिए, बहुत अच्छे है, इट्स वेरी गुड अल्टरनेट, क्योंकि इससे सेहत भी बहुत अच्छा बढ़िया रहता है। अच्छी कंडीशन की भी जरूरत नहीं है जितना कि आपको चावल और गेहूं के लिए जरूरत पड़ती है, तो उगाना भी आसान है, उसमें किसानों को भी फायदा होगा, इसका जितना प्रचार होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, किसानों का फायदा होगा। तो एक हमारी छोटी सी शुरुआत है और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी मतलब इसका प्रचार कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए जिसमें पौष्टिक आहार ज़्यादा है, स्वस्थ मतलब हम लोग रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारे मतलब सांस के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हमें सेवन करना चाहिए, इसका हम प्रचार करें।